लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी विपक्ष के हमलों का जवाब देकर भले ही खुद की पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन राहुल गांधी ने उनके भाषण को कमजोर बताकर सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि मोदी की नफरत और गुस्से का सामना प्यार और संवेदना से करेंगे। वो नफरत करते हैं, हम प्यार करते हैं। वो पप्पू कहते हैं, फिर भी हम इज्जत करते हैं। ये बयान देकर कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में पीएम मोदी की खूब खिंचाई की थी। कांग्रेस अध्यक्ष एक के बाद एक वार करते चले गए। इसके बाद बारी पीएम मोदी की थी, जिन्हें विपक्ष के हमलों का जवाब देना था। पीएम मोदी ने भी हर मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सबके खिलाफ हुंकार भरी। इस भाषण के बाद भले ही बीजेपी पीएम मोदी को हीरो मान रही हो, लेकिन विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाषण को कमजोर बताकर बीजेपी की खुशी को फीका कर दिया। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए ट्वीट किया कि संसद में बहस का मुख्य मुद्दा, प्रधानमंत्री ने अपनी बात कहने के लिए कुछ लोगों के दिलों में मौजूद घृणा, भय और रोष का इस्तेमाल किया, लेकिन कांग्रेस हमेशा उनसे प्यार करती है। राहुल ने लिखा कि कांग्रेस सभी भारतीयों के दिल में प्रेम और सद्भाव बनाएगी, जो राष्ट्र निर्माण का एकमात्र रास्ता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।